हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव ब्रॉट वीडियो ऑफ अ क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। सेफ्टी मेजर्स मतलब बचाव के जो तरीके होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बचाव, हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं खतरों से। सो सेफ्टी मेजर्स देखते हैं, सुरक्षा हम कैसे कर पाएंगे अपनी। केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स, अगर हम लापरवाही करते हैं तो दुर्घटनाएँ होती हैं। सेफ्टी रूल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स, और सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो हमें खतरों से बचाते हैं। सेफ्टी एट होम, हम घर में कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे। डू नॉट टच फायर, आप घर में जो गैस वगैरह होती है, चूल्हा वगैरह होती है, उसको आप टच मत करो। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स, और पैनी चीज़ों से मत खेलो, जैसे चाकू है, सुई है, इससे मत खेलो। डू नॉट लीन ओवर बालकनी, और बालकनी से हमें झांक के नीचे नहीं देखना चाहिए। सेफ्टी एट प्ले, खेलने के दौरान हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन रोड्स, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले इन डार्क, हमें अंधेरे में भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट पुश वाइल प्लेइंग, और खेलते समय एक दूसरे को धक्का हमें नहीं लगाना चाहिए। सेफ्टी एट रोड, रोड में हम क्या सेफ्टी हमें ध्यान में रखना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन रोड, रोड में नहीं खेलना है। कीप टू लेफ्ट, और जब वॉक करते हो तो हमें लेफ्ट हैंड की तरफ चलना चाहिए। वॉक ऑन फुटपाथ, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और जब हमें रोड क्रॉस करनी है तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना चाहिए, और हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट में जो तीन लाइट्स होती हैं उनका मतलब होता है, ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, येलो लाइट का मतलब वेट करो, और रेड लाइट का मतलब स्टॉप करो। सेफ्टी इन बस, और बस में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स, क्या सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप बस का वेट कर रहे हैं तो आप लाइन में खड़े हों, स्टैंड इन क्यू, और बस से हमें झांक के नहीं देखना चाहिए, बस की खिड़कियों से। डू नॉट लीन आउट ऑफ बस, डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम मूविंग बस, और चलती हुई बस से हमें नीचे उतरना नहीं चाहिए। सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में हमें क्या सुरक्षा के साधन, सुरक्षा किन बातों की हमें रखनी चाहिए स्कूल में। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, स्कूल्स में जो सीढ़ियाँ होती हैं उनमें हमें दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट जंप ओवर बेंचेस, और कुछ बच्चे बेंचेस के ऊपर जंप करते हैं, खेलते हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। डू नॉट पुश वाइल प्लेइंग, और जब स्कूल में आप खेल रहे हो तो एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना चाहिए। So I hope students, teachers and parents, you like this video. If you like this video, so click the button of like, share it with other students so that unko easy language mein achhe achhe notes mila tha. Thank you, stay safe, bye bye.